हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ राहुल, नाम तो सुना ही होगा। नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ सुना होगा क्योंकि आजकल तो लोग मुझे पप्पू ही कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि असली पप्पू मैं ही हूँ। मैं तो यहाँ पे भी लिखवाने वाला था, लेकिन छोड़ो। एक्चुअली इटली में हूँ ना, मम्मी से नाराज हूँ। पहले मैं इतना बड़ा भक्त था अपनी मम्मी का कि बोलता था हेलो हाय छोड़िए, जय मम्मी की बोलिए, लेकिन अब सब बेकार है। मुझे कम से कम 150 फ़ोन कर चुकी हैं मम्मी, 150 मतलब 250, आपकी मैथ्स के अनुसार बता दूँ तो 250 होता है ना, 350 तो नहीं होता। चलो जो भी है, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए, मैं यहाँ करके इसलिए छुपा हूँ, मतलब इसलिए छुट्टियाँ मना रहा हूँ कि वहाँ क्या करूँ मैं। मेरी दीदी दो दो बार झाड़ू लगाती है मीडिया के आगे, बावजूद उसके मुझे अपना कोई फ्यूचर नहीं दिखता। स्कूटी फ्री देती है, बसों में आना जाना लेडीज़ का फ्री कर देती है, क्या बोलते हैं, ट्रेन के अंदर फ्री कर देती है, सब जगह फ्री करने के लिए वादे कर देती है, लेकिन उसके बाद होता क्या है, फिर मेरे पास फ़ोन आता है कि तू कब आ रहा है। अरे भाई, अगर मैं इतना ही बड़ा वो होता पॉलिटिशियन तो फिर आ नहीं जाता। मुझे वहाँ छोड़िए, यहाँ पे लोग पहचान लेते राहुल के नाम से। नहीं कोई बात, नानी के घर आया हूँ तब भी लोग पूछ रहे हैं, और भाई क्या हाल है पप्पू, दिल पे कुछ होता है। पर क्या करें, हमारे देश की जनता को कुछ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ होता है, और पिछले 19 में उन्होंने दिखाई दिया था क्या होता है, और अब वो आगे दिखाने वाले। यूपी में तो बिल्कुल सूपड़ा साफ मुझे लग रहा है, ना तो हमने कुछ किया है, ना हमारा किसी चीज़ में हाथ है, ना पैर है, ना दिमाग, तो खैर हमारे पास पहले से ही नहीं है। क्या कहें, जो लोगों को मैं चीज़ें देता हूँ बात करने के लिए, वो कर लेते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, वो हो ही नहीं पाता। क्या कह सकते हैं, कोरोना इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ है कि पूछो नहीं। कहीं रैली निकाल दूं तो वहां जाने में दिक्कत होती है, आने में दिक्कत होती है। सारे पत्ते, चाहे वो शाहीन बाग का हो, चाहे वो टिकैत का हो, चाहे कुछ और हो, सब पिट रहे, सब पिट जाते हैं। ये तो शुक्र है वहां की जनता का कि मैं रैली के लिए निकलता हूं, मैं नहीं पिटता, वरना तो ऊपर वाले का बस एक ही करम रहा है कि मैंने ये जो अपने नाम के आगे गांधी लगा लिया है, उससे बहुत फायदा होता है, उस नाम की इज्जत के कारण मैं बच जाता हूं, वरना तो मैं तो कब का समझ रहे हैं आप। बात करने का मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, क्यों, कहीं से थोड़ी उम्मीद की किरण मुझे नजर आ रही है। बीजेपी के जितने बंदे अखिलेश ने मिलाए थे अपनी तरफ, या मिला रहा है, किसी काम के नहीं है, तो मुझे लगा ये लड़ते रहें, भिड़ते रहें, काम करते रहें, और हमारे को क्या चाहिए, हमारे शेर यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो देखिए भैया, ऐसा है, मम्मी ने पूरी कोशिश कर ली है, दीदी ने कर ली है, जीजू ने कर ली, जीजू हमारे बहुत सही हैं, वो बोल रहे हैं इटली में कोई ज़मीन हो तो वहाँ देख लो। यार मैं साला हूँ, कोई जिन थोड़ी हूँ कि जहाँ भी रगड़ोगे मैं वहाँ पे प्रकट होकर के जमीनें दे दूंगा तुम्हें। एनीवेज, बहुत जल्द आपसे आके मिलूंगा, कीप मिसिंग मी। नानी माँ, बॉर्नविटा वाला दूध तैयार करो। हाँ बाय।